हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। समय, चाल और दूरी के जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे। और प्रश्न दोस्तों वही लेकर के आया हूं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इनका सबसे सरल तरीका देखेंगे। सबसे सरल, इतना सरल कि आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर क्या है किलोमीटर, ठीक है, और आंसर किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। यहाँ पर किलोमीटर है, आंसर पूछ रहा है मीटर में, तो क्या करेंगे, आपको एक ही यूनिट चाहिए, तो किलोमीटर को आप क्या करेंगे, मीटर बना लीजिए, या फिर मीटर को किलोमीटर बना लीजिए। लेकिन किलोमीटर को मीटर बनाना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर दी गई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है, बड़ी को छोटी बना रहा हूँ। जब छोटी बनाऊँगा ना, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी 5/18। लेकिन जब मैं छोटी को बड़ी बनाऊँगा, तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, 18/5, याद रखिएगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी बना रहा हूँ ना, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी 5/18। 18 से काटूंगा 54 को, 3 बार में कटेगा, 3×5 कितना आ जाएगा, 15। तो इसका मतलब क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी चलेगी, 15 मीटर। एक सेकंड में 15 मीटर, एक सेकंड में 15 मीटर पूछ रहा है एक मिनट का। जब एक सेकंड में 15 मीटर एक मिनट का पूछ रहा है, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक सेकंड बराबर कितना, 15 मीटर, तो 60 सेकंड बराबर कितना, यही तो बताना है। तो 15 का 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 6 कितना, 90, और 1 × 0 मतलब 900 मीटर। कितनी दूरी तय करेगी, 900 मीटर की दूरी तय करेगी। और 900 कहाँ दे रखा है, आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर की चाल से जाता है, वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल कैसे निकालेंगे, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। नगर ए से नगर बी तक, यह है दोस्तों नगर ए, ये हो गया नगर बी। ए से बी तक जब गया तो 72 की चाल से गया था, ए से बी तक जब गया था, और जब लौटा है तो कितने की चाल से लौटा है, 48 की चाल से। तो देखिए, एक बार गया और एक बार आया, कितनी बार क्रिया की उसने, 2 बार क्रिया की, ठीक है। एक बार गया, कितने की चाल से गया उसे एक्स मान लेते हैं, और जितने की चाल से लौटा है उसे वाई मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। आगे दोस्तों बात समझ में, और बटे में क्या करेंगे, दोनों की चाल को हम जोड़ देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। तो 2x कितना है, पहले वाली चाल कितनी है, 72 है, गुने बाद वाली चाल कितनी है, 48 है, बटे में क्या करेंगे, x और y को जोड़ देंगे, 72 और 48 को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 8 10 का 0 कैरी का 1, 7 और 4 11, और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा, 120 है। अब इसको कटा लेंगे, आपके प्रश्न का क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने से कटेगा, मैं देखिए यहाँ कटाऊँगा 12 से, 12×72, और 12 से कटेगा 10 बार में 120, ये 10 बार में कट गया, ठीक है। अब कुछ कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा हम कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, 2×6 कितना हो जाएगा, 12, और 12 का मल्टीप्लाई करूँगा 48 से, 12×8 96 आएगा, कैरी का 9 रहेगा, 12×4 48, और कैरी का 9 कितना रहेगा दोस्तों, 57 हो जाएगा, 57। बटे में कितना है मत भूलिए, 10 है बटे में, तो बटे में 10 आ जाएगा, 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 57.6, इधर लिख देते हैं 57.6, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है 57.6 दे रखा है आपके बी ऑप्शन में, तो उसकी जो औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, 57.6 हो जाएगी। सभी की समझ में प्रश्न उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुँचता है,
यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? कभी भी दोस्तों देखिए पूछा जाता है कि विद्यालय की दूरी कितनी दूरी पर है, घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, या विद्यालय से घर कितनी दूरी पर है, इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि वो 3 की चाल से चला तो 5 मिनट लेट हो गया, 4 की चाल से चला तो 5 मिनट पहले पहुँच गया। तो इसके लिए जो सबसे आसान ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों चालों का तो क्या करेंगे आप, गुना। पहले 3 की चाल से गया, फिर 4 की चाल से, और बटे में क्या करेंगे, दोनों का अंतर, 3 और 4 का अंतर 1 आएगा। अब क्या करना है, गुने, जो समय है उसको लिख लेंगे जोड़ के। तो 5 मिनट यहाँ पर लगे, 5 मिनट यहाँ पर, दोनों दे रखा है 10 मिनट का समय। इस 10 में क्या करेंगे, ये मिनट में दे रखा है ना, ये घंटे में है, तो घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी की समझ में बात आ रही है, किसी की ऐसा तो नहीं है किसी की समझ में प्रश्न नहीं आ रहा हो, सबकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं कटाऊंगा तो देखिए 10 से मैं से कटाऊंगा, 10 से कटेगा 1 बार में, और ये 10 से कटेगा 6 बार में, ठीक है। अब देखिए 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, 12 एकम कितना हो जाएगा, 12, और बटे में कितना है दोस्तों, 6 है, तो 6 से आप 12 को कटाएंगे, 2 बार में कटेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 2 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में, 2 किलोमीटर की दूरी पर है उसके घर से विद्यालय। हमेशा याद रखिएगा ऊपर करना है दोनों चालों का गुना, और बटे में क्या करना है, दोनों का अंतर। जो समय दिया रहेगा उसको जोड़ करके लिख लीजिए, और उसमें क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, बस आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रश्न में कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी 15 की चाल से तथा 16 की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है? मैंने क्या बताया, कभी भी दूरी वाला प्रश्न हो तो क्या करेंगे, दोनों चालों का तो गुना करेंगे, एक चाल 15 की है, एक 16 की, दोनों चालों का तो गुना करेंगे 15-16 का, और बटे में क्या लिखेंगे, दोनों का अंतर, 15-16 का अंतर तो 1 ही आएगा। गुने जो समय लगता है वो समय लिखेंगे, यहाँ पर 16 मिनट का समय दे रखा है तो 16, और इसमें क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। यही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, समझ में आ रही है दोस्तों बात, इसको कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, 4 से कटाऊंगा मैं इसको, 4 चौके 16 कटेगा, ठीक है, और 4 से दोस्तों मैं इसको कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 20, 4 5 20, 15 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और 15 से कटाऊंगा 15 को ये कट जाएगा, और 4 कमल पे 16 से कर दो, 16 चौके कितना, 64, तो कितनी दूरी पर है दोस्तों, 64 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो दूरी पूछ रहा था कितनी है, 64 किलोमीटर की दूरी है, 64 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, अगर पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसमें अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 और 10 की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 16 मिनट अधिक हो तो दूरी कितनी है, पूछ रहा है दूरी। तो मैंने क्या बताया, दूरी पूछेगा तो दोनों चालों का गुना करेंगे, पहली चाल 9 की, दूसरी चाल 10 की, और दोनों का क्या करेंगे, बट्टे में अंतर, तो 10 और 9 का अंतर 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, जो समय दे रखा है वो समय लिखेंगे, 36 मिनट का समय है उसे लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। सबकी समझ में यहाँ तक तो बात अच्छे से आ रही है। अब मैं इसे कटाऊंगा, देखिए 10 से 60 को कटाऊंगा 6 बार में, और 6 से 36 कटेगा 6 बार में, ठीक है, और 9 कमल पे फिर 6 से होगा तो 9 6 के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 54, तो 54 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। 54 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में, बताइए इसको करने में कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड से ज़्यादा का समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, इसलिए आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर मैं आपको ये तरीका सबसे आसान वाला नहीं बताता तो आप खुद बता दीजिए कि इस प्रश्न को कितने समय में कर पाते। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 कारों की चाल 2 3 4 के अनुपात में है, समान दूरी में तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय में अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, चाल का अनुपात पूछ रहा है, समय का अनुपात, तो आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि जो चाल का अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट समय का अनुपात होगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, आपको क्या दे रखा है, देखिए 3 कार है ना, तो ये पहली कार हो गई, ये दूसरी कार, और ये तीसरी कार,
पहली कार का अनुपात दो है, फिर तीन है, फिर चार है, यही तो आपको अनुपात दे रखे हैं। ये किसके अनुपात दे रखे हैं आपको? चाल के अनुपात, ठीक है। और चाल का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों समय का अनुपात, जस्ट अपोजिट समय का। अब इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे तो क्या रहेगा, अगर दो ही कार होती हैं तो पलट देते तीन इधर आ जाता दो इधर, लेकिन यहाँ पर तीन है तो क्या करेंगे, पहली कार का सबसे पहले समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहली को ऐसे छिपा लेंगे, बाद वाली का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन चौके कितना हो जाएगा, बारह। तो पहली कार का समय कितना निकल गया है, बारह। अब दूसरी का निकालेंगे तो दूसरी को छिपाएंगे इस तरीके से, पहली का तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे चार दुने का आठ, तो दूसरी कार का क्या हो जाएगा, आठ। अब तीसरी को निकालेंगे तो तीसरी से कोई मतलब नहीं, इसको छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तीन दुने का कितना, छः। ये आ गया दोस्तों इनका समय का अनुपात, बारह आठ छः, बारह आठ छः नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कटा के छोटा कर लीजिए, दो से कटेगा छः बार में, दो से कटेगा चार बार में, दो से कटेगा तीन बार में, छः चार तीन, किस ऑप्शन में देखिए, छः चार तीन डी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।